आप देख रहे हैं बॉलीवुड तड़का। सिनेमा जगत फिल्मों के भंडार से भरा हुआ है। हजारों फिल्में आती हैं और चली जाती हैं। कुछ दिन बाद लोग उसका नाम तक भूल जाते हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ जाती है। उनमें से ही एक फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसका जिक्र होते ही राज सिमरन की वो नोकझोंक भरी कहानी याद आ जाती है। जी हाँ, DDLJ ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कभी ना भूली जाने वाली फिल्मों में से एक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने आज अपने बेमिसाल 25 साल पूरे कर लिए हैं। ये पिक्चर 25 साल पहले आज के ही दिन यानी 20 अक्टूबर 1995 को लोगों के बीच आई थी। इस पिक्चर ने रिलीज के बाद कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। राज सिमरन की प्यारी नोकझोंक भरी लव स्टोरी आज भी लोगों के दिलों में बसती है। बता दें कि इस पिक्चर में राहुल का किरदार शाहरुख खान और सिमरन का किरदार काजोल ने निभाया था। इस पिक्चर में दोनों की जोड़ी को खूब सराहना मिली थी। इस पिक्चर के बाद दोनों की जोड़ी पर्दे पर खूब छाई। आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म बनी थी। इस फिल्म के जरिए ही बॉलीवुड को पूरी दुनिया में पहचान मिली थी। इस फिल्म का एक एक किरदार बिल्कुल सटीक है, सबने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया है और सभी के किरदार आज भी उतने ही यादगार हैं। इस फिल्म ने आज भी लोगों के दिलों में वैसा ही कब्जा कर रखा है जैसे फिल्म के रिलीज के वक्त किया था। बता दें कि आज ट्विटर पर शाहरुख खान ने ट्वीट किया, 25 साल राज और सिमरन को दिल से प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। शाहरुख ने अपनी डीपी भी बदलकर राज मल्होत्रा की फोटो लगा ली है। काजोल ने भी अपनी डीपी सिमरन को बना दिया है, वहीं ट्विटर हैंडल का नाम सिमरन कर दिया है। उन्होंने लिखा, राज और सिमरन दो लोग एक फिल्म 25 साल और कभी न रुकने वाला प्यार, मैं वाकई आभारी हूँ। हम आशा करते हैं कि जिस तरह से इस कभी ना भूलने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने 25 साल पूरे किए और लोगों की पसंदीदा फिल्म रही, आगे भी इसी तरह पसंद की जाएगी।